अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मोमेंट ऑफ रेडी से किसका निकालेंगे, यूनिफॉर्म रड का। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या होगा, यूनिफॉर्म रड होगा, थिन यूनिफॉर्म रड, बहुत ही थिन है, थिन यूनिफॉर्म रड। ठीक है, तो इस रड का हम क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ रेडी से चाहिए। ठीक है, तो यहां से यहां तक क्या है, एक मैं रड है वो भी यूनिफॉर्म, और यहां से तक एक लाइन खींचे जो मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा, देखिए इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ मास डीएम, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रड ऑफ मास एम है। ठीक है, एंड लेंथ एल, तो लेंथ मेरा एल है और इस पूरे बॉडी का मास क्या है, मेरा एम है। तो हम पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी बॉडी हो, देखिए हमें किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी बॉडी का उसका एक स्ट्रिप काटा जाता है। तो उसी प्रकार से हम क्या किया, इस बॉडी में एक स्ट्रिप काट लिए हैं, जिसका थिकनेस मेरा क्या है, डीएक्स है, और इस वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेरा क्या है, एक्स है, और इस पूरे इस यहाँ जो स्ट्रिप काटा गया, इसका मास क्या है, डीएम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बॉडी का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, तो हम वही चीज यहाँ पर लिए, कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ मास डीएम, इस बॉडी का छोटे से स्ट्रिप का, ऑफ लेंथ dx, यहां से यहां तक का लेंथ, ये लेंथ dx, एट ए डिस्टेंस x, ये x में डिस्टेंस है, और कहां से, a से। ठीक है, उसके बाद सिंस यूनिफॉर्म रेड, अगर कोई यूनिफॉर्म रेड है तो एक यहां से क्या होता है कि जो मास होता है, ठीक है, ये छोटा सा बॉडी, ये जो हम स्ट्रिप यहां पे काटे हैं, इसका मास बट पूरे बॉडी का मास, ये पूरे बॉडी का मास क्या, m है। ठीक है, तो dm बट m इक्वल टू इस छोटे से स्ट्रिप का लेंथ यानी थिकनेस बटे इस पूरे बॉडी का लेंथ, यानी कि ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो इसका लेंथ बटे इसका लेंथ हो, तो dx बटे l। तो यहां से अगर हम dm निकालेंगे तो ये कह दे m बटे l into dx। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस छोटे से स्ट्रिप का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। तो हम क्या करेंगे, iyy यानी कि y एक्सिस के अबाउट निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, dm इस छोटे से बॉडी, ये क्या यूनिफॉर्म रेड है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा रहा है, तो एरिया नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा, dm into x square, यानी कि मास होगा उसके बाद डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, तो dm into x square इस तरह से। तो dm देखिए यहाँ पर dm into x square, तो dm क्या है मेरा वैल्यू, यहाँ पर m बटे l into dx, तो वही वैल्यू रखे हैं dm का, m बटे l into dx, फिर x square है तो x square है। उसके बाद हमको पूरे होल बॉडी का चाहिए, पहले छोटे से एस्टी में क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए, अब हम सोचते हैं कि हमको वाई एक्सिस के अबाउट हमको पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक एल एम डिस्टेंस है, तो अगर हम जीरो से एल तक इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे पूरे बॉडी का क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो जीरो से एल तक है, तो इसे क्या करना हमको पूरे बॉडी यानी कि इंटीग्रेट करना जीरो से एल तक, तो एम बट एल यही यहाँ पर जो उठा रखे हैं, तो एम बट एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से देखिए कॉन्स्टेंट है, एम बटे एल बाहर हो जाएगा ये, और जीरो से एल एक्स स्क्वायर और यहाँ पर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या होगा, एम बटे एल एक्स क्यू बटा थ्री और फिर जीरो से कहाँ तक, इसमें आएगा ये क्या आ जाएगा एल क्यू, तो एम इन टू एल क्यू, और नीचे भी क्या है एल, फिर वन बटे थ्री, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसको देखिए m बटा l, m बटा l और ये क्या हो जाएगा एल क्यू बाई थ्री, ठीक m बटा l फिर एल क्यू बाई थ्री, फिर जीरो जाएगा तो वो उसको लिखेंगे, वो जीरो ही हो जाएगा, लोअर लिमिट डालने के बाद हमको यही चीज होना चाहिए, फिर ये जीरो हो जाए तो उसको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से देखिए एक यहाँ पर एल क्यू को लिख सकते हैं m बटा l इंटू एल इंटू एल स्क्वायर बटा थ्री, एल एल कट जाएगा क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर, यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट जो होगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एम एल स्क्वायर बटा थ्री, ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब फिर एक चीज और इसी हम देखेंगे, तो हम इसके अबाउट निकाले थे वाई एक्सिस, अगर इस बॉडी के बीच में हमको एक लाइन खींच दे और उस लाइन के अबाउट हमको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब क्या होगा, तो उसका भी निकालेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, अब देखिए इसी में हम इस बॉडी के बीच में एक लाइंस खींचे हैं, उस लाइंस के अबाउट हमको क्या चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो देखिए
ये मेरा क्या यूनिफॉर्म रेड है, ठीक है। अब इस यूनिफॉर्म रेड में इस बॉडी के बीच में, मतलब सीजी जिसको हम बोलते हैं, जहां पर सीजी लाइक करता है पूरे बॉडी का मास के बीच में जहां पॉइंट वो लाइक करता है, तो वही काम को वहां क्या चाहिए, माइटोकांड्रिया चाहिए। तो इस बॉडी के बीच में देखिए ये रन खींचे हैं वाई नॉट और वाई नॉट, हमको इसके बॉर्ड क्या चाहिए, हमको माइटोकांड्रिया चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, पैरेललाइसिस थ्योरम यूज करेंगे। तो आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई नॉट प्लस पूरे ये जो यूनिफॉर्म रेड यानी कि है, इस पूरी यूनिफॉर्म रेड का क्या चाहिए हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे निकालेंगे, तो आई वाई वाई इक्वल टू आई वाई नॉट वाई नॉट प्लस इस पूरी बॉडी का मास इंटू ये डिस्टेंस लेना है हमको एल वाई टू वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए पहले तो आई वाई वाई क्या निकला हुआ मेरा एम एल स्क्वायर वाई थ्री, तो एम एल स्क्वायर वाई थ्री और हमको ये चाहिए यानी कि बीच वाला, तो आई वाई नॉट प्लस एम, तो एम रहेगा ही क्योंकि मास है ये, और डी डी में क्या होगा एल वाई टू लेंगे, वो एल वाई टू का स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, साइड लेंगे तो एम एल स्क्वायर वाई थ्री माइनस ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर वाई फोर, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो सॉरी पहले इसको कर लीजिए, और ये आई वाई नॉट ठीक है, ये क्या हो जाएगा अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा तीन चौके बारह, फिर कर लीजिए सॉल्यूशन फोर एम एल स्क्वायर माइनस थ्री एम एल स्क्वायर, तो चार में तीन जाएगा कितना हो जाएगा एक, तो वन डिवाइडेड सॉरी हाँ तो वन डिवाइडेड क्या हो जाएगा ट्वेल्व एम एल स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई नॉट एक्सिस के बाद जो है क्या होगा एम एल स्क्वायर बटे ट्वेल्व, इसको आप लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर बटे ट्वेल्व। तो ये था मेरा क्वेश्चन मास मोमेंट ऑफ यानी कि यूनिफॉर्म रेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाएगा निकालने के लिए एग्जाम में, तुमको इस तरह से निकालना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इस क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कर लेंगे।